हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है आर्यन और मेरा नाम है मनका। हाँ, तो भाई कॉफी पी रहे थे तो सोचा कि यार फरीदाबाद में भी कोई अच्छी जगह है कि नहीं, तो इसने मुझे बताया कि फरीदाबाद में एक परसों मंदिर है और इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। तो हमने सोचा इसका एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग बनाए, शॉर्ट भी बनाए, इसके ऊपर कॉन्टेंट बनाने हम बस अभी जा रहे हैं, तो बस थोड़ा सा कॉफी पी लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं परसों मंदिर और फिर जाएंगे, रास्ता भी दिखाएंगे और बढ़िया चीजें बताएंगे। चल चीयर्स। वैसे हमने ऑलरेडी पी ली है, पीने से पहले चीयर्स करते हैं। ओके चलो परसों मंदिर चलते हैं, परसों मंदिर लेके जाऊंगा आपको। परसों मंदिर जो है वो बड़कल फ्लाईओवर से उतर के आता है, बड़कल एरिया में पड़ता है बेसिकली। मेरे को भी नहीं पता वो क्या उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है, लेकिन मैं आपको रास्ते में बता दूंगा कि परसों मंदिर पड़ता कहाँ पे है। बड़कल एरिया में पड़ता है, फरीदाबाद में पहले बड़कल लेक थी, बड़कल लेक के ही पास वो एक प्यारी सी वैली है, वहाँ मंदिर है, आपको दिखाऊंगा, रास्ता एंजॉय करो, फिर मैं आपको पूरा दिखाऊंगा आज। पता नहीं मेरे को भी, देख लेना। अंखीर चौक से हमने लेफ्ट लिया है, मतलब आपको क्या ही पता अंखीर चौक है, गूगल मैप फॉलो कर लेना, बस एक बार ये चौक देख लो, जिस चौक पे आपको आना है ना उधर से आपको राइट लेना है। ये चौक देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, शायद यहाँ पे गूगल मैप आपको कन्फ्यूज कर देगा इसलिए बोल रहा हूँ। ये चौक है, ऊपर देखो कुछ लिखा पड़ा है, बड़कल टूरिस्ट रिजॉर्ट फरीदाबाद। अच्छा, ये टूरिस्ट रिजॉर्ट है बड़कल, बड़कल टूरिस्ट रिजॉर्ट फरीदाबाद। यहाँ से हमारे को लेना है राइट, मतलब आप देख लेना, आप उधर से आ रहे हो तो लेफ्ट ले लेना। और यहाँ पे अभी बड़कल लेक की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, दो चार महीने बाद या हो सकता है एक साल बाद बड़कल लेक भी चालू हो जाए। तो यहाँ पे पहले बहुत पुरानी लेक थी जो कि सूख चुकी है, अब सरकार उसको दोबारा बना रही है। बस अब ये चीज़ ध्यान से देख लेना, यहाँ से ये देखो, ये आपको दिख रहा है परसों मंदिर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये परसों मंदिर, ये देखो। तो हमारे को इस साइड जाना है, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है यहाँ पे, कच्चा रास्ता है, अगर चाहो तो आप पैदल भी जा सकते हो। पता नहीं यार इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग कैसे हो गई है, मतलब अभी सच में ज़्यादा गड्ढे वड्ढे हो रखे हैं, लेकिन मैं पहले यहाँ पे पहले भी आया हूँ, बहुत बार आया हूँ मैं, बहुत बार, इतने गड्ढे वड्ढे नहीं थे। तो वैसे तो स्विफ्ट विफ्ट भी, छोटी मोटी गाड़ी भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, या और भी छोटी नैनो वैनो भी निकल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़े धीरे चलाना है यहाँ पे। अरे मेरे को लग रहा है बारिश हुई है ना, शायद इस वजह से हो सकता है, बारिश की वजह से हो सकता है। चलो फाइनली पहुंच गए हैं, वो देखो ये रहा परसों मंदिर की एंट्री, यहाँ से है, आप मैं यहाँ पे गाड़ी लगा देता हूँ। तो भाई हम पहुंच गए हैं परसों मंदिर और ये है वो प्यारा सा सुंदर सा मंदिर, चलो वो देखो वो रहा, साथ में चल के देखते हैं इस मंदिर को। भाई ये देखो, ये रही इसकी एंट्री और भाई मजा आ रहा है, ठंड नहीं है यहाँ पे यार, ज्यादा ठंड हो रही है यहाँ, यहाँ पे ठंड नहीं है पता, यहाँ पे ना हवा चल रही है बढ़िया तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है ना, तो हवा बढ़िया चल रही है। और हम तो ऐसी टी शर्ट पहन के निकले पड़े हैं, मस्त अपना निकल आए। हाँ ये देखो भाई,
ओए कितना बढ़िया नहीं लग रहा यार, सनसेट हो रहा है और सनसेट के टाइम पे ही हम लोग आए हैं। ये देखो भाई ये एरिया है, और जेन्युइनली बता रहा हूँ, पता है क्या है, यहाँ पे कितनी बार मैं आके ऐसे बैठा हूँ ना, मज़ा आ जाता है एकदम। यहाँ पे आके बैठो, टाइम स्पेंड करो आधा एक घंटा, ऐसे फ्रेश होके निकलोगे ना ऐसे। ये देखो यार अभी सन वहाँ से है तो सन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो शायद इतना अच्छा व्यू ना कैप्चर हो पा रहा हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पास से भी दिखाता हूँ। अरे भैया वो देखो वहाँ पे सब लंगूरों को ना खाना वाना खिलाते रहते हैं, दिख रहा है नहीं पता नहीं मुझे, बट बहुत सारे लंगूर बैठे हैं वहाँ पे। फरीदाबाद में बहुत छोटी सी प्यारी सी जगह है, अगर आप थोड़ा सा जैसे हम होते हैं ना कि यार पहाड़ देखना है मतलब, तो यहाँ पे आके अपना बैठो आधा एक घंटा स्पेंड करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत प्यारी वाइब है जगह की। मैं खुद कितनी बार यहाँ पे आया हूँ, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बैठता हूँ मस्त, यहाँ बैठे रहो। पूरी वैली है ये, वो जो जगह दिख रही है आपको, अगर मुझे पता नहीं वो दिख रही है या नहीं, इसके नीचे पूरी वैली है ये, पूरी वैली। चलो भाई मंदिर की तरफ चलते हैं, आपको मैं मंदिर दिखाता हूँ। तो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं मंदिर की तरफ, अभी उतरते वक्त सीढ़ियों में मज़ा आएगा, लेकिन जब हम चढ़ेंगे ना तो थक जाएंगे बहुत ज़्यादा। ये देखो जब हम नीचे जा रहे हैं, वैली वैली है ना ये पूरी, जब हम नीचे जा रहे हैं सीढ़ियों की तरफ। ओ देखो वो आ रही। वेट वेट रुको रुको, अब मैं भी तेरे साथ व्लॉगिंग करूंगी। भाई दिन भी बहुत अच्छा, आज मंगलवार का दिन है हनुमान जी का, और अक्सर लोग हनुमान जी के दिन ना यहाँ पे केला लेके ना वो लोग बंदरों को नहीं लंगूरों को वो खिलाते हैं। हाँ ऊपर थे ये देखो भाई, तो ये रहा भाई अपना मंदिर। यहाँ से हम वहां से आए हैं ठीक है, इस रास्ते से अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। बहुत सुंदर जगह है यार ये, अगर फरीदाबाद में आप रहते हो ना और 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा ऐसा वाइब चाहिए कि भाई 10-15 मिनट में पहुंच जाएं पहाड़ों पर बैठें एक घंटे के लिए, सनराइज और सनसेट बहुत बढ़िया है यहाँ का। ये ऊपर को सीढ़ी जा रही है और ऊपर इतना बढ़िया सीन है ना आपको दिखाऊंगा। वाह यार एक बार देखो भाई, उधर जाएंगे बेसिकली। अभी हमने ना बेसिकली अभी हम नीचे से आए हैं, अब दूसरे पहाड़ को चढ़ेंगे जहां से सन निकल रहा था, वो एरिया आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर एरिया है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये प्यारी सी सुंदर सी जगह? और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप यहाँ पे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो चिप्स खाते हैं या बहुत सारी चीज़ खाते हैं और यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं, बट फेंकना बिल्कुल मत, अपने बैग में भर लेना, घर जाकर उसको फेंक देना, रास्ते में फेंक देना, पर यहाँ पे मत फेंकना, हालांकि हम ऐसा नहीं करते हैं। देखो अगर आपको दिख पा रहा है तो वहाँ से हम आए थे, बट मैं थोड़ा और उधर जाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको और व्यू दिखा पाए। वो देखो भाई वो जो सीढ़ियाँ दिख रही है ना वहां से आए थे, और ये पूरा व्यू है भाई। एक चीज और बताता हूँ, अगर आप स्पिरिचुअल हो, कुछ मेडिटेशन करनी हो, मैं यहाँ पे आके, वहाँ पे एक पेड़ है
वो वाला जो पेड़ देख रहे हो ये एग्जैक्टली मेरी उंगली के आगे जो पेड़ है, तो वहाँ पे मैं और मेरा दोस्त आके ऐसे ही बैठ जाते थे, थोड़ा सा मेडिटेट करते थे और हनुमान चालीसा पढ़ते थे 3-4-5 बार, मजा आ जाता था। कैसी लगी जगह बताना, और आपको इस जगह के बारे में पता था या नहीं पता था, आपके क्या व्यूज हैं वो भी बताना। चलो यार, सन डाउन हो रहा है, मे बी कैमरा वर्क ना करे, और सनसेट हो चुका है, सन डाउन हो चुका है, अब चलते हैं वापस। तो गाइस कैसी लगी आपको ये जगह, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पे आने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो कोशिश करना कि 2 से ज़्यादा ही लोग आएँ, स्पेशली अगर आप किसी लड़की के साथ हो तो कोशिश करना कि आपके साथ एक लड़की के अलावा और भी आपके साथ दोस्त या अपना फ्रेंड सर्कल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जगह थोड़ी सी अनसेफ हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना और बाकी इस जगह को इन्जॉय करो, क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ पे काफ़ी केसेस आ चुके हैं। अभी तो ये जगह बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है, तो अब बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, आप अकेले भी आओ, अकेली लड़की भी आए तब भी सेफ है, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, सतर्क रहना, ये नहीं कि फुद्दू बन के चले गए किधर भी कहीं पे भी, और रात में मत आना भाई तो ज़्यादा बढ़िया है, फ़ोन अपना ऑन करके रखना, जगह सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन पहले कुछ केसेस आ चुके हैं 5-10 साल पहले, जब कनेक्टिविटी नहीं थी, रोड्स नहीं बनी थी, फ़ोन उस टाइम नोकिया के आते थे, तब की बता रहा हूँ, अब एकदम सेफ है, बिंदास आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आपने नहीं किया, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और इस जगह पे आना मत भूलना। ओके बाय।